हर हर महादेव। जैसे कोई पूछ रहे हैं कि कब कब बाल बनवाना चाहिए, माने कितने दिन बाद बाल बनवावे, अभी बाल बनवाए, कटिंग कराई, कितने दिन बाद फिर जो है छौर कर्म कराना चाहिए, फिर वर्ण और आश्रम भेद से कितने दिन में केश क्रंतन या छौर कर्म होना चाहिए। देखिए, मासे मासे गृहस्थानां पक्षे पक्षे से यज्वनां और ऋतावृतौ यतीनां च छौर कर्म विधीयते, ये बतलाया गया है। मासे मासे गृहस्थान, गृहस्थों को हर महीने में, महीने में एक बार बाल बनवाना चाहिए, रोज नहीं, महीने में एक बार गृहस्थों को बाल बनवाना चाहिए। पक्षे पक्षे से यज्वना, जो अग्निहोत्री होते हैं तो उनको हर पक्ष में छौर कर्म का विधान है, यानी 15 दिन बाद। और ऋतावृतौ यति नाम च, प्रत्येक ऋतुओं में, यानी वर्ष में 6 बार, एक महीने को छोड़कर के दूसरे महीने में, इस प्रकार सन्यासियों को छौर कर्म कराना चाहिए, छौर कर्म विधीयते। और फिर इसमें भी निषेध है, कुंभे कर्कटके वापी कन्यायाम कार्मुके रवौ रोम खंडम गृहस्थस्य पितृन प्राशयते यम। बोले यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति के लिए निषेध चल रहा, गृहस्थ व्यक्ति कुंभ के सूर्य में, एक राशि पर सूर्य एक महीने रहते हैं, तो जब तक सूर्य कुंभ की राशि में हो तब तक कर्कटके यानी कर्क राशि पर, कन्यायाम कन्या राशि पर सूर्य रहे, कार्मुके यानी धनु राशि पर सूर्य होते हैं, कार्मुके रभौ रोम खंडम गृहस्थस्य पितृन प्राशयते यम। यदि कोई गृहस्थ बाल बनवाता है इन राशियों पर सूर्य के रहने पर, तो उन केशों को यमराज जो है उनके पितरों को खिलाते हैं। रोम खंडम गृहस्थस्य पितृन प्राशयते यम, यम गृहस्थस्य पितृन प्राशयते, ऐसा जो वचन है सुमंतु ऋषि का, निरण सिंधु में भी दिया गया है। तो अभी एक बात बताइए, अभी कहा था हर महीने गृहस्थों को बनाना चाहिए, तो इतने महीनों में तो निषेध हो गया, तो अब इसका प्रतिप्रसव दे रहा है कि इन महीनों में भी कुछ समय छोड़ना है कि पूरा छोड़ना है, वो बतलाते हैं। कुंभे पादम धनुष्यर्धम करके पाद त्रयं तथा सर्वां कन्यां परित्यज्य छौर कर्म विधीयते। बोले कुंभे पादम, कुंभ में जब सूर्य हो तो एक चौथाई छोड़ देना चाहिए, प्रथम पाद शुरुआत में एक चौथाई, यानी एक सप्ताह कुंभ राशि में सूर्य लगने पर प्रथम सप्ताह में गृहस्थों को बाल नहीं बनवाना चाहिए। और धनुष्यर्धम, और धनु का 15 दिन, धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करें तो 15 दिन तक बाल नहीं बनवाना चाहिए। कर्क और अर्ध कर्टकम त्यजेत अथवा करके पादत्रयं तथा, दो तरीके के वचन हैं। तो कर्क राशि में जब सूर्य रहते हैं तो पादत्रयम 3 पाद या अर्धम कर्टकम त्यजेत, दोनों ही बात है। कर्क को भी आधी राशि यानी 15 दिन पे बाल नहीं बनवाना चाहिए। सर्वाम कन्या, कन्या राशि में जब सूर्य रहते हैं, यानी कनागत जिसको कहते हैं, कन्यागत जब हम माला श्राद्ध करते हैं उस समय भी गृहस्थों को बाल नहीं बनवाना चाहिए, खास रूप से उनको नहीं बनवाना चाहिए जिनको श्राद्ध करना होता है ना, औरों को भी गृहस्थों को नहीं बनवाना ही चाहिए, ये भी निषेध ही है। सर्वाम कन्याम परित्यज्य छौर कर्म विधीयते, औरों को और समय में गृहस्थों को और सन्यासियों को वानप्रस्थों को इस तरीके से जो है छौर कर्म करा लेना चाहिए।
ये छऊर का विधान बताया गया है कि इन इन महीनों में ऐसे ऐसे समय में निषेध है, नहीं बाल नहीं बनवाना चाहिए। जब भी बाल बनवाए तो कक्षोपस्थ शिखा वर्यम, कक्ष कांख के उपस्थ माने जो गुप्तांगों के, और शिखा शिखा के बालों को वर्जित कर देना चाहिए। इस तरीके से शिखा ये जो है छौर कर्म करने से संबंधित महीनों के नियम ये इसमें बतलाए गए हैं। हर हर महादेव।